वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश सर। सो जो मैंने सजेशन मैथ स्लिप इन द वैली का जो क्वेश्चन दिया था उसमें से ये भी एक इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ जल्दी जल्दी इसका भी डिस्कशन करना चाहता था। देखिए लाइन क्या है, दे फील द होलो फुल ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द होलो रेफर टू हेयर, एंड सेकेंड क्वेश्चन हाउ डज द होलो लुक लाइक एंड हु इज लाइंग देयर, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज ही लाइक देयर। तो चलिए आंसर में स्टार्ट करता हूँ, बट आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हिंदी का सजेशन में 100% मैंने कॉमन दिलवा दिया और इंग्लिश का भी मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसका भी 100% कॉमन मिल ही जाए। तो यार इतना हेल्प करने के बाद, और कुछ टीचर्स भी मेरे वीडियोज देखते हैं, आंसर अपने स्टूडेंट को लिखवाते हैं, मैंने एनालिटिक्स जो था आज ही व्हाट्सएप पर आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बट अभी एग्ज़ाम के बाद ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को आप ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, चैनल को फैलाइएगा, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोज मेरे चैनल का लिंक शेयर किया कीजिएगा ताकि मेरा चैनल जो ग्रो हो पाए, वही मेरे लिए फीस है क्योंकि मैंने इतना हेल्प किया बट आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। बट यही मैं वहाँ मांगना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ग्रो कर, मैं आपका रिजल्ट अच्छा करने में हेल्प कर रहा हूँ, बट आप मेरे चैनल को अच्छा करने में हेल्प कीजिए, ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बस यही बताना था आपको, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वॉच टाइम बढ़वाइए एंड ग्रो करवाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द होलो रेफर टू हेयर। तो इसका आंसर होगा, द होलो रेफर टू द ग्रीन वैली इन आर्थर रिम्बर्ट्स पोएम एज स्लीप इन द वैली। आंसर तो यही था कि होलो रेफर टू द ग्रीन वैली, बट आपको थोड़ा तो ये सब लिखना ही पड़ेगा किस पोएम में और किस पोएट का वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ डज द होलो लुक लाइक, वो जो होलो है वो किस तरह से दिखाई देता था। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक टिक लगा हुआ है साइन का, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, गलती से वो कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, द होलो डेट इज, सॉरी देखिए एग्जाम में आप ऐसे वर्ड यूज मत कीजिएगा, मैंने प्रेजेंटेशन का वीडियो में बता दिया है कि डेट इज है तो आप इसको इस तरह फुल लिखिएगा। इसका पहले से दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो के लास्ट का जो 10 सेकंड है वहाँ पर आपको लिंक्स होगा, इस चैनल का प्लेलिस्ट ही मैं दे दूंगा, आप वो जो इम्पोर्टेंट दो वीडियोज है द टाइटल एंड द एंटी वॉर पोएम, वो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से ज़रूर इस चैप्टर का उसे भी देखिए, बेस्ट आंसर मैंने अपलोड कर दिया हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे करना है बोर्ड में सब का वीडियो है, आप आई बटन को क्लिक कर लेना, जो भी 4-5 वीडियोज आएंगे उसको देखिएगा और लास्ट में जो भी 4-5 यहाँ पर लिंक्स होगा उसको ज़रूर देखिएगा। तो द होलो डेट इज द वैली, जो वैली है उसी को होलो कहा गया है, तो द होलो डेट इज द वैली इज स्मॉल एंड ग्रीन, जो वो छोटा है और हरा भरा है, नेचुरल जैसा है। द वैली वेयर द डेड सोल्जर हु इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन लाइज हैज बीन कंपेयर्ड विद द होलो, जो द वैली है जहाँ पर यंग सोल्जर जो हम लोगों के अटेंशन फोकस में है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर इसका इस चैप्टर का जो आंसर लिखिएगा उसमें आप ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन डालने से इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है कि द डेड सोल्जर हु इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन, ये लाइन जो हैज बीन कंपेयर्ड विद द होलो, जो वही वैली जो है होलो के साथ कंपेयर किया गया है। एंड द वैली सराउंडेड बाई द ब्यूटीफुल चेन्स ऑफ द माउंटेन टॉप, बहुत सारे माउंटेन टॉप हिल्स पहाड़ों के चैन से वो जो वैली है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एंड एन आइडल रिवर, आइडल रिवर मीन्स होता है जिसका कोई काम नहीं है, इसी तरह से जस्ट बह रहा है। इज फॉलोइंग थ्रू इट, उस वैली में जो है बह रही है द कॉन्स्टेंट सन ऑफ द कॉन्स्टेंट सन ऑफ लाइट, यहाँ पर सॉरी सन लाइट ही होगा डायरेक्ट, हाँ तो कॉन्स्टेंट सन लाइट मेकिंग द शोर ऑफ द ब्रूक सिल्वर, यहाँ पे ब्रूक का मतलब ये रिवर ही होता है, रिवर का अनदर फॉर्म है ब्रूक, हाँ तो यहाँ पे, और शोर का मतलब किनारा, जो लाइट आ रही है उसकी वजह से जो नदी का किनारा है वो चांदनी कलर का चमकीला होता है। आपने डेली लाइफ में तालाबों में देखा ही होगा ऐसी कंडीशन, या आपने जो रिवर है गंगा नदी है उसमें आपने ये चीज़ दोपहर के टाइम में जब धूप होता है तो आप देख पाते ही होंगे कि आपको पानी क्लियर दिखाई नहीं देगा, आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वहाँ पर। अ वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड हमिंग इंसेक्ट एडेड द ब्यूटी ऑफ द वैली, और वेरियस टाइप ऑफ उसमें फूल्स है, रंग बिरंगे फूल्स है, और हमिंग इंसेक्ट जो उड़ रहे हैं वो सब जो है इस वैली की जो है ब्यूटी को और बढ़ा रहे हैं।
उसके बाद है कि तो फ्रॉम द माउंटेन टॉप इट लुक्स लाइक अ स्मॉल केव, और अगर आप माउंटेन टॉप के ऊपर से देखोगे, जस्ट आप सपोज कीजिए कि आप एक हेलीकॉप्टर में हैं या फिर ड्रोन के कैमरा से आप देख रहे हैं या एरोप्लेन से, मतलब उस टाइप से अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक स्मॉल गुफा दिखेगा, केव के जैसा वो वैली दिखेगा। थस द पोएट यूजेज द वर्ड होलो, इसीलिए पोएट ने उसको होलो का नाम देकर इसको यूज किया है। विच सूट्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल इन्वायरमेंट, और ये जो होलो वर्ड है वो पूरे दृश्य को समझाने के लिए आई थिंक पोएट के अनुसार और मेरे अनुसार हम लोगों के अनुसार जो है होल इन्वायरमेंट को समझाने के लिए ये जो होलो वर्ड है वो सटीक है। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज लाइंग देयर, तो वहाँ पे लाइंग कौन है, तो यहीं पर जो है एक्चुअली देखिए चार क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम में कोई तीन को ही सिलेक्ट किया जाएगा, तो मैंने चार को इसी में डिस्कस कर दिया है। तो उसका आंसर तो यहीं पर आ गया था, कौन सोया हुआ है, कौन पड़ा हुआ है। द यंग सोल्जर हु इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन इज होगा यहाँ पे इज लाइंग इन साइड द वैली, एक्चुअली जल्दी जल्दी बनाने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो हु इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन इज लाइंग इन साइड द वैली, आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो एग्जामिनेशन में, जैसे इस लाइन को कर सकते हो कि हु इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन इज लाइंग इन साइड द वैली, तो ऐसा करके आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज ही लाई देयर, और वो जो सोल्जर है उस वैली में किस तरह से पड़ा हुआ है, किस तरह से सोया हुआ है। तो उसका आंसर जो है द यंग सोल्जर द यंग डेड सोल्जर, जो मरा हुआ सोल्जर जो है लाइज ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेज, जो कोमल जो घास होते हैं घास पत्ते उस पर जो लेटा हुआ है पड़ा हुआ है विद अ पीलो मेड ऑफ फर्न, और जो फर्न के द्वारा एक तकिया बना होता है पीलो उसी के ऊपर उसका हेड है। ही इज लाइंग विथ ओपन माउथेड, ही इज लाइंग विथ ओपन माउथेड, उसका जो मुंह है खुला हुआ है। और यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ही लॉस्ट द एयर ऑफ लाइफ, ये मैंने इसमें लिखवाया हुआ है। जो लॉन्ग क्वेश्चन था दोनों उस पर मैंने एक लाइन ऐड किया था, अगर आप मैं जगह तो नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ही लॉस्ट द एयर ऑफ लाइफ, अगर आपको देखना है तो वो दोनों क्वेश्चन तो आप करेंगे तो उसमें आपको वो लाइन मिल जाएगी। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट या चेस्ट, जो भी लिखे पोएम में ब्रेस्ट है बट एक्चुअली में लिखना चाहिए था चेस्ट, एंड देयर इज एन इनोसेंट स्माइल विदाउट एनी ग्यू लाइक एन इनफैक्ट ऑन हिज फेस, और उसका जो एक हाथ है उसके सीने पर रखा हुआ है एंड उसके चेहरे पर एक बच्चों के जैसा जो है ना बहुत ही प्यारा सा मीन्स मुस्कुराहट है, और उसको देख कर यहाँ पर आप वो भी लाइन दो सकते हैं विच डज नॉट help us to realize that he is dead, rather they prove that he is sleeping very peacefully, ऐसा मैंने उन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में लिखाया था। एक्चुअली ये पार्ट वाइज क्वेश्चन है इसलिए मैं वो सब लाइन यहाँ पर नहीं लिखाया, बट आपको अगर लिखना है तो आप लोग याद वहाँ से कर दोनों लॉन्ग क्वेश्चन तो याद करोगे ही, तो उसका लाइन कुछ कुछ यहाँ यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका आंसर थोड़ा और बढ़िया बन जाए। तो वो दोनों का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, और इधर पे यहाँ पर उसका थंबनेल भी मैं अभी यहाँ पर शो कर दूंगा, और यहाँ पे चार लिंक जो शो होगा आप उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, आई बटन का लिंक भी क्लिक ज़रूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई और आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई एम आकाश साहब साइनिंग ऑफ टाटा एंड बाय बाय, ये सब वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।